सोलन में कांग्रेस ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती धूमधाम से मनाई। इस मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुल राकेश पंत, सुशील चौधरी, मनोज गुप्ता, उषा शर्मा मौजूद रहे। सोलन में कांग्रेस ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती धूमधाम से मनाई। इस मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलराकेश पंत, सुशील चौधरी, मनोज गुप्ता, उषा शर्मा मौजूद रहे। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिखाए रास्ते पर चलने की भी शपथ ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलराकेश पंत ने इस मौके पर कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में हरित क्रांति लेकर आए और जो भी विकास आज भारत का हुआ है उसकी नींव जवाहरलाल नेहरू ने ही रखी थी। उन्होंने कहा कि भारत में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है और भारत का औद्योगिकीकरण हुआ है वह केवल जवाहरलाल नेहरू की दूरगामी सोच का नतीजा है। कुल राकेश पंत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमर होने की कामना करते हुए कहा कि भारतवासी उनके दिखाए रास्ते पर चलकर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। आज हम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन मनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से थे और भारत की आज़ादी में उनका एक अहम योगदान रहा है। आज़ाद भारत के वह प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और हिंदुस्तान में जो भी आज तरक्की हो रही है उसकी नींव उन्होंने डाली थी। आज उनकी ही वजह से ये IITs हैं और जो एजुकेशन फ्रंट पर काम हुआ है, जो इंडस्ट्रियल फ्रंट पर काम हुआ है, हिंदुस्तान में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। आज हम सभी लोग उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अमर रहे और भारतवर्ष उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलते हुए दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे।